हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू मम्मा चाटूम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पापा के लिए इंस्टेंट मावा से मावा मोदक और चॉकलेट मोदक की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसके लिए हम क्या चीज़ें लगती है देख लेते। तो 1 कप और 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है, आधा कप पीसी हुई शक्कर ली है, कोको पाउडर मैंने यूज़ किया हुआ है, उसके बाद दोस्तों इलायची पाउडर और दूध लिया है। तो सबसे पहले एक पैन लेकर हमें उसमें मिल्क पाउडर जो है वो ऐड कर देना है और उसमें दूध जो है 1 कप तक मिला देना है और चम्मच की सहायता से इससे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई भी गांठ लम्स जो है वो ना रहे। तो दोस्तों, गैस पर रखने से पहले अगर हम ये जो प्रोसीजर है वो कर लेते हैं तो जल्दी से हमारा इंस्टेंट खोया जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि एक बार गैस पर रखने के बाद इसमें लम्स जो है वो जल्दी से आ जाती है। तो अगर हमने पहले से ही अगर स्मूथ पेस्ट इसका बनाकर रख दिया तो हम फटाफट उसे मिक्स कर उसका गाढ़ा मावा जो है वो बना सकते हैं। तो पहले मैंने इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया है, अभी गैस पर रखकर हमें कंटिन्यूस इसे चलाते जाना है ताकि नीचे ये चिपके ना। तो अगर नॉन स्टिक पैन है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ये जल्दी से चिपकता नहीं है। अभी ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है दोस्तों, करीबन 10 से 15 मिनट हमें इसे गाढ़ा बनने में लग जाता है। सिर्फ 15 मिनट में हमारा खोया जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो अभी 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका पानी जो है वो कम हो रहा है और ये गाढ़ा बनना शुरू हो गया है। अभी इस प्रोसीजर में हम 1 चम्मच तक देसी घी ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें जो भी स्टिकीनेस है वो कम हो जाए। अभी आधे कप तक शक्कर जो हमने ली हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। थोड़ी सी शक्कर अगर आप चाहते हैं तो बचा कर रख सकते हैं, अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो। इलायची पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है इस लेवल पर। अभी आप देख सकते हैं खोया जो है वो थोड़ा और पतला हो गया है क्योंकि हमने शक्कर उसमें ऐड कर दी थी। तो कंटिन्यूस फिर से हमें इसे चलाते जाना है। 5 से 7 मिनट में हमारा जो खोया है वो बनके तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से गाढ़ा बन गया है, गैस मैंने बंद कर दिया है। फिर से मैंने 1 चम्मच तक घी उसमें ऐड किया है। अभी पैन हमारा ठंडा हो गया है और जो मावा था वो भी ठंडा हो गया है अच्छी तरह से। तो हाथों से ये अभी हम घी लगाकर हाथों में और मोल्ड में भी हमें घी लगाकर रख देना है और इसमें से जो आधा खोया था वो इसमें मोल्ड में डालकर हमें इसके मोदक जो है वो बना लेने हैं। तो आधा खोया मैंने मावा मोदक बनाने के लिए रख दिया है और आधा खोया चॉकलेट मोदक के लिए मैंने निकाल कर रख दिया है। 2 पार्ट में हमें खोया जो है वो डिवाइड कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फटाफट मावा मोदक जो है वो बनकर तैयार हो गया है, एकदम हलवाई स्टाइल ये मोदक जो है वो दिखने में और खाने में लगते हैं और बहुत ही जल्दी से फटाफट बन के भी तैयार हो जाते हैं। तो अभी जो आधा खोया मैंने निकाल कर रखा हुआ था दोस्तों, तो इसमें कोको पाउडर जो है वो मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो कोको पाउडर भी हमें अच्छे से इसमें मिला देना है दोस्तों, कंटिन्यूस इसे इस तरह से मिक्स करने के बाद
एक जैसा कलर इसमें आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी चॉकलेट मोदक जो है वो भी हमारे अभी मोल्ड में डालकर फटाफट बन के तैयार हो रहे हैं। तो एकदम हलवाई स्टाइल मोदक घर में इंस्टेंट मावा से फटाफट बनाकर हम पापा को प्रसाद जो है वो बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैं सारे मोदक जो है बनाकर रख रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इंस्टेंट मावा मोदक और चॉकलेट मोदक की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से आप देख सकते हैं दो मिक्स जो है वो भी आप मोदक जो है वो बना सकते हैं मावा और चॉकलेट का। तो सारे मोदक हमारे इस तरह से बनकर तैयार हो रहे हैं। आपके घर में अगर मोल्ड नहीं है दोस्तों तो आप इसे इस तरह से भी टूथपिक की सहायता से शेप जो है वो दे सकते हैं, हाथों से बनाकर उस पर इस तरह से डिज़ाइन जो है वो बनाकर रख सकते हैं। तो सारे मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।